ये है जी व्यू, जिसको देखने के लिए ना आपको इधर आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, सेंटर से रोड जा रही है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सी। अभी हम वो आगे तक गए थे, जितना दूर तक कैमरे में आप देख पा रहे हो ना वहां तक गए थे। एरियल व्यू की बात ही हमेशा अलग होती है, और सी आप एरियल व्यू से देखो तो फिर तो मजा आता है, अति सुंदर। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। दिन की शुरुआत हम रामरपादम तीर्थ से कर रहे हैं। इसके साथ नीचे ना इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि सराउंडिंग एरियाज़ में और कौन से प्लेसेस हैं जो टूरिस्ट विजिट कर सकते हैं। एनीवेज वो देखिए जी, ऊपर हिल के ऊपर जो टेम्पल दिख रहा है ना, वही रामरपादम तीर्थ है। आइए जी। मंदिर के अंदर जाके मैंने भगवान श्री राम के चरणों के चिन्ह के दर्शन करे। ऐसा हमको पुजारी जी ने बताया कि जब प्रभु राम रामेश्वरम आए थे, हम इस जगह की बात कर रहे हैं इस समय, तो यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, एक रात रहे थे, फिर वो आगे धनुषकोडी की तरफ गए थे क्योंकि उनको लंका जाना था। तो यात्री यहाँ पर आते हैं, रामरपादम में प्रभु श्री राम के चरणों के चिन्ह के दर्शन करते हैं, और साथ साथ चारों दिशाओं में अच्छे व्यू भी दिखाई देते हैं। आज क्लाउडी होने की वजह से आसमान तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ काले और सफ़ेद सफ़ेद बादल हर तरफ है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी चल रही है आज के दिन में। एक काम करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं और बेटर व्यू दिखाई देगा। वाओ, इतना अच्छा व्यू नीचे से आ रहा था ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर खड़े होकर दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा बड़े हिस्से में हमको ये पानी इकट्ठा हुआ जो दिखाई दे रहा है, सब रेन वाटर है, और पूरी हरियाली है चारों तरफ। गंध मादन पर्वत बोलते हैं इस पर्वत को जिसके ऊपर ये मंदिर बना हुआ है। बहुत खूब, अभी हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का एंसेस्ट्रल हाउस विजिट करने आया। सामने जो आप ब्लू कलर का गेट देख रहे हैं ना, यहाँ पर उनके ब्रदर की फैमिली रहती है, और ये सीढ़ियाँ चढ़कर आप ऊपर जाएंगे ना फर्स्ट फ्लोर में, वहाँ एक गैलरी है, गैलरी में बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं, ऐसा समझ लीजिए कि उनके एंसेस्ट्रल हाउस की भी हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई फ़ोटोग्राफ्स हैं, स्कूल कॉलेज, और फिर उन्होंने आगे जो जो मेन जॉब प्रोफाइल्स इंडियन गवर्नमेंट में ली, उन सब से जुड़ी हुई इंसिडेंट्स फ़ोटोग्राफ्स और उनकी कुछ सेइंग्स। तो आप आराम से आधा पौना घंटा स्पेंड करके उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ ऊपर जाके समझ सकते हैं। ऊपर क्योंकि फ़ोटो वीडियो अलाउड नहीं है तो मैं आपको फुटेज नहीं दिखा सकता। इस तरफ को कलाम सीशल मार्ट है, तो इधर से चलते हैं, सीशल मार्ट देखते हुए एग्जिट करेंगे। यहाँ पर अलग अलग किस्म के शेल्स हैं, इस तरफ को शंख, और ये देखो जी तोरण, प्राइस इन्होंने लिखा ही हुआ है, 620 रुपये में पूरा सेट मिल जाएगा, जैसे दरवाजे के बाहर ऐसे लगा देते हैं ना, नाइस। बगल में यहाँ पे टी टाइम में हमने चाय ली है, साथ में क्रीम बिस्किट खा रहे हैं। मैंने आज से पहले कभी इस प्रकार से ना आटे के बिस्किट के, मतलब दो बिस्किट के बीच में क्रीम को सैंडविच किया वैसा कभी देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। चलो सही है, गुड। चाहे मैंने एक चीज़ देखी है, यहाँ पे ट्रैवल करते समय ना बोलना पड़ता है चीनी कम डालो, हाँ शुगर ज़्यादा रहता है, अब इसमें भी चीनी ज़्यादा है, ये तो कम ही है, कम कहाँ से कम है, इतनी ज़्यादा मीठा है, मैं कम पीता हूँ। अच्छा, मेरे लिए ठीक है, कोई कोई इससे ज़्यादा डाल के देते हैं। अच्छा, मेरे को तो चीनी ज़्यादा लग रहा है। स्वाद तो सही है, बताओ
अच्छा टेस्ट है, गुड। बहुत कुछ यहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, फिर भी जैसे पफ, समोसा, आलू, रागी बिस्किट, नॉर्मल बिस्किट, मतलब पैक नूडल्स। चलो 10 मिनट भी यहाँ से निकलते हैं, आपको आपको रास्ता दिखाते दिखाते आगे बढ़ेंगे। ये है कि बारिश हो रही है तो बहुत ज़्यादा गिम्बल बाहर नहीं निकाल पाते, तो थोड़ा फुटेज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। देखो रुक जाए, धनुषकोड़ी पहुँचते पहुँचते तो अच्छा रहेगा। धनुषकोटी के रास्ते पे अभी हम 9 किलोमीटर पहले रुके हैं। हम पहले कोथंडा रामा टेम्पल विजिट करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी ये सामने ब्रिज है ना, ब्रिज से पहले ही रुक गए। हवा मेरे पीछे से आ रही है, कुछ देर पहले मैं ऐसा रिवर्स खड़ा था, कैसे ऐसे, तो इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन ऑडियो सही से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, इसलिए मैं ऐसे आ गया, क्योंकि हवा ऐसे फ्लो कर रही है। इस तरफ और इस तरफ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। और रोड सामने आपको दिखाई दे रही है, ये ऑटो खड़ा है, ऑटो के पीछे जो रोड है, इधर से दिखाते हैं आपको। ये झाड़ है ना जो सामने, झाड़ के पीछे हिंद महासागर। मजा आ गया, और थोड़ा सा ब्रिज पे वॉक करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये तो क्या है मालूम, अगर बरसात नहीं हो रही होती इस तरह से तो मैं आपको एरियल व्यू भी दिखाता। वाओ मज़ा आ गया। आज तो ना ऐसा महसूस हो रहा है हमारा दिन बन गया। सबसे बढ़िया बात यह है कि ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। अगर यहाँ पे मान लो कंटिन्यूसली गाड़ियाँ चल रही हैं तो उतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा शांति है, हवा तेज़ है, हल्का हल्का ड्रिजल हो रहा है और हवा में ठंडक भी है, अति उत्तम। कोथंडा रामा टेम्पल हम पहुंच गए हैं। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले व्यू दिखाया था ना, उतना अच्छा व्यू तो यहाँ से नहीं दिख रहा, क्योंकि वहाँ तो लेफ्ट राइट दोनों तरफ सी दिख रहा था, यहाँ पर हमको इधर सी दिख रहा है। तो चाहेंगे तो थोड़ा पास तक जा सकते हैं, तो हम एक काम करते हैं, पहले टेम्पल विजिट करते हैं, फिर थोड़ा समुद्र के नज़दीक चल के सी को देखेंगे, ये अच्छा रहेगा। मंदिर के गर्भगृह के अंदर वीडियो या फोटो लेना अलाउड नहीं है, तो मैं दर्शन करके बाहर की तरफ आ चुका हूँ। अंदर हमने सीता माता, भगवान राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और विभीषण की मूर्तियों के दर्शन करे, और हमें पुजारी जी ने बताया लगभग 800 साल प्राचीन ये मूर्तियाँ जिनके आप दर्शन कर रहे हैं। 1964 में यहाँ पर साइक्लोन आया था, जिस दौरान बहुत ज़्यादा तबाही धनुषकोड़ी एरिया में हुई थी, लेकिन मंदिर तब भी यहाँ था और आज भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये मंदिर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। ऐसा कहते हैं ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान राम ने विभीषण का युद्ध से पहले राज तिलक किया था, तो उस राज तिलक की हमने कुछ फोटोग्राफ्स देखी जो राज तिलक हुआ, और जब विभीषण यहाँ पर लंका से आ रहे थे, मतलब राज तिलक से पहले जब विभीषण वायु मार्ग से लंका से आ रहे थे, तो वानर सेना को ऐसा लगा जैसे रावण का कोई दूत यहाँ पे आ रहा है या गुप्तचर यहाँ पर आ रहा है। तो फिर हनुमान जी ने भगवान राम से प्रार्थना करी कि जो विभीषण बता रहे हैं ये एकदम सत्य है, तो हमें विभीषण की बात पे एतबार करना चाहिए और हमें आगे की अपनी युद्ध नीति बनानी चाहिए। तो इस स्थान का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो यात्री जब धनुषकोडी जाते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आते हैं। हम लोग भी आए और आपको भी आना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा आकर। दो बाइक सारी हैं सामने, हम इसी रास्ते से इस टेंपल तक आए हैं। तो बे ऑफ बंगाल के ऊपर ये ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से 1 किलोमीटर सीधे जाने पे वो रोड आ जाएगी जो रामेश्वरम और धनुषकोडी को कनेक्ट करती है। कुछ देर पहले हम वहीं पे थे, तो रोड के एक तरफ बे ऑफ बंगाल और एक तरफ इंडियन ओशन हमको देखने को मिलेगा। अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए, अब हम वापस चलते हैं। बारिश थम सी गई है, अगले 1 से 1.5 घंटा अगर बारिश थमी रही तो अच्छा रहेगा। आइए जी, हम देखिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे
बे ऑफ बंगाल राइट साइड पे इंडियन ओशन, बीच में ये खूबसूरत रोड चलती जा रही है, कितना मजा आ रहा है ना। धनुषकोडी हम पहुंचे तो हमें लगा एक काम करते हैं, धनुषकोडी हम रिटर्न में विजिट करेंगे, पहले सीधे चलते हैं और लास्ट जो लैंड का पॉइंट है ना वहां तक पहले जाते हैं। तो अब हम लास्ट पॉइंट से 1 किलोमीटर पहले रुके हैं, कितना मस्त लग रहा है ना। इस जगह की जो मेन अट्रैक्शन है ना वो यही है कि आप एक रोड से चल रहे हो, लेफ्ट राइट साइड दोनों तरफ समुद्र और बीच में चलते जा रहे हो। हमारे देश में ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ पर ये चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, और आगे चल के आप टिप तक पहुँच जाओगे, दो महासागर आपस में आके मिल जाएंगे, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। बहुत खूब, ये सारा ट्रैफिक जो आ रहा है ना लास्ट पॉइंट तक जाने के लिए आ रहा है। सामने हमें 1 किलोमीटर आगे जाना है लेकिन ट्रैफिक यहीं पे रुकना स्टार्ट हो गया क्योंकि आगे चल के जाम लग जाता है, तो लोग अपना गाड़ी आधा 1 किलोमीटर पीछे खड़ी कर देते हैं और आगे की तरफ पैदल जाते हैं। ये हमारी टैक्सी खड़ी है जिसमें हम आए हैं। गाड़ी हमने ना आधा किलोमीटर दूर खड़ी कर दी है, अब वॉक करते करते हम लैंड के उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे जिसके आगे सिर्फ समुंदर है और उस पार श्रीलंका। सामने आपको दिखा देता हूं हमें कहां तक जाना है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम अभी कितना वॉक कर रहे हैं। वो देख लो जी सामने, जहां तक आपको भीड़ दिखाई दे रही है ना वहां तक लास्ट पॉइंट है। वैसे ये ऑप्शन सही है कि आप रोड को छोड़कर गाड़ी खड़ी करो और समुद्र किनारे वॉक करो जैसे अभी मैं कर रहा हूं, मज़ा भी आ रहा है और साथ में आप भीड़ भड़ाके में कहां वॉक करोगे। वो देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, आप ट्रैफिक देख के अंदाज़ा लगा लो। अब क्या है, लोग अपनी गाड़ी को आगे ले आते हैं ना, बाद में रियलाइज़ होता है गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं है, बैक करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये बेटर आइडिया कि दूर खड़ी करो और वॉक करके आगे जाओ। फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। अब देखो जी, जो सीन मैंने आपको पहले दिखाया उसमें ये था कि इधर भी समुद्र इधर भी समुद्र, और यहाँ संगम है जो हम देखने वाले हैं। संगम तक जाने से पहले आप अशोक स्तंभ देख लीजिए, यहाँ पे अशोक स्तंभ है, लोग यहाँ पर खड़े होकर फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। और मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, हम तो चलो अपनी टीम के साथ आए हैं, कुछ लोग 4-5 लोग का फैमिली ग्रुप है वैसे आए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बस में आए हैं, मतलब 40-50 लोग के ग्रुप हैं और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और ये अकेली ऐसी जगह है जहां पर इस प्रकार का संगम हम देख सकते हैं। ये देखो, लेफ्ट साइड से बे ऑफ बंगाल, राइट साइड से इंडियन ओशन, और यहां पे सामने संगम हो रहा है। जब हम कन्याकुमारी गए थे ना वहां पर क्या था कि अरेबियन सी भी था, तो यहां पर अरेबियन सी नहीं है, लेकिन आप व्यू देखो जी, यहां से 27 किलोमीटर सीधा अगर हम शिप में या फेरी में जाएंगे तो श्रीलंका आ जाएगा, गल्फ ऑफ मन्नार। तो कभी आप यहाँ पे आते हो ना और गर्मियों का समय है तो आप या तो सुबह के समय आओ 8 और 10 बजे के बीच में, या आप शाम को आओ 3-3.5 बजे या 4 बजे, 4:30 बजे लास्ट एंट्री होती है। रामेश्वरम से जब आप चलोगे ना यहाँ से 20 किलोमीटर पहले, 4:30 के बाद वो लोग अलाउ नहीं करते, दिन में धूप रहती है। अब हम तो ऐसे टाइम पे हैं, विंटर्स है तो बरसात हो रही है, बादल ही हर तरफ है और गर्मी का कोई भी एहसास नहीं है, मज़ा आ गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो हमने बहुत आनंद उठा लिया है, सामने की तरफ मेरे को बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, तो उधर चलते हैं और वहाँ का सीन देखते हैं क्या है। ओ गॉड,
देखो जी, मैं आपको संगम पॉइंट पे खड़े होकर दिखा रहा हूँ। इस तरफ से जो लहर आ रही है अभी आपको, ये देखो लहर उठ रही है ना इधर से, ये इंडियन ओशन की है, और ये जो लहर आ रही है सामने से ये बे ऑफ बंगाल की है। इस जगह पे संगम हो रहा है, तभी मेरे को लग रहा था ज्यादा लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, क्योंकि सब लोग संगम पॉइंट पे आए हुए हैं, और ये स्ट्रेट संगम है। बहुत खूब दिख रहा है ना, वाह। मैं वहां बैठ के आपको सी दिखा रहा था, उससे पहले हम लोग वहां पे अशोक स्तंभ के पास थे। अब जितना क्राउड वहां पर है उतना ही क्राउड यहां पर नीचे भी है, मतलब लोग कुछ साइड में खड़े हैं, कुछ पानी में पांव डालकर लोग खड़े हैं, सब इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेवल ठीक है। अब 5-4 मीटर तक तो ठीक है, लेकिन उसके ऊपर नहीं। इस जगह की जो पहचान है ना, वो राम सेतु की वजह से है। अब जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो हर कोई जानना चाहता है कि राम सेतु के आज की डेट में दिखाई देता है, तो सच्चाई ये है राम सेतु पानी के अंदर जा चुका है। तो पास्ट में काफ़ी रिसर्च टीम्स यहाँ पर आई हैं, तो कोई पता नहीं लगा पाया कि राम सेतु पानी के अंदर कितना अंदर तक गया है, लेकिन यही वो जगह है जहाँ पर राम सेतु था। और श्रीलंका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ से डिस्टेंस वाइज 27 किलोमीटर दूर है। कि नागापट्टनम करके एक जगह है, कोस्ट साइड पे ही है, थंजावुर से लगभग 125 किलोमीटर के डिस्टेंस पर। वहां से अभी अक्टूबर 2023 में शिप सर्विस पायलट बेसिस पे स्टार्ट करी है श्रीलंका जाने के लिए। पाँच किलोमीटर का सफ़र करके हम धनुषकोडी आ चुके हैं, लाइट हाउस विजिट करेंगे। आई एम ऐसा टाइम पे है कि 5 बजे लाइट हाउस बंद हो जाता है, टाइमिंग्स तो सामने लिखे हुए हैं, 10 से 1, 2:30 से 5 और मंडे को क्लोज्ड। और अभी 5 बजने में केवल 10 मिनट का टाइम है, तो फटाफट 10 रुपीज़ का टिकट निकालते हैं, अंदर चलेंगे। और सामने ढाबा जो आपको दिख रहा है ना, वहाँ पर एक अपने लिए फ़िश, उनको बोल दिया कि जब तक आप तैयार करो तो हमारे 10-15 मिनट बच जाएंगे। आइए चलते हैं। नीचे जो व्यू दिखाई दे रहा है ना, ये तो ऐसी बात होगी कि ड्रोन के ऊपर बैठ के आप देख रहे हो, नथिंग लेस देन दैट, दिस इज अमेजिंग, बहुत खूब। यहां पर खड़े होके हम चारों दिशाओं में देख सकते हैं। ओह, हवा का ना फ्लो इस तरफ को है, तो यहां खड़े होके हवा बड़ी मस्त लग रही है। ओए, ये है जी व्यू, जिसको देखने के लिए ना आपको इधर आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। कितना अमेजिंग लग रहा है ना, सेंटर से रोड जा रही है, लेफ्ट राइट दोनों तरफ सी। अभी हम वो आगे तक गए थे, जितना दूर तक कैमरा में आप देख पा रहे हो ना, वहां तक गए थे। एरियल व्यू की बात ही हमेशा अलग होती है, और सी आप एरियल व्यू से देखो तो फिर तो मजा आता है, अति सुंदर। से पहले यहाँ पे ट्रेन आती थी, साइक्लोन आया 64 में, यहाँ का रेलवे स्टेशन तो टूटा टूटा, साथ में यहाँ स्कूल, चर्च और जो भी कंस्ट्रक्शन थी, यहाँ लोगों के रहने की सुविधा थी, सब बर्बाद हो गई। साइक्लोन इतना ज़्यादा खतरनाक था, एक बार के लिए हमें लगता है लोग यहाँ रहते होंगे, लेकिन आज की डेट में कोई यहाँ रहता नहीं है। ना यहाँ पे बिजली की सुविधा है, ना यहाँ मोबाइल की सुविधा है, और वैसे भी रहना एक तरह से अलाउड ही नहीं है यहाँ पर। अब आगे का सीन कुछ ऐसा है, समुद्र किनारे तक वॉक करते हैं और आपको बताता हूँ मैं। एक काम क्यों ना करूँ, मैं चप्पल यहाँ उतार जाता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। आओ, आपको मालूम है आज की डेट में अगर अरेबियन सी से होता हुआ कोई शिप बे ऑफ बंगाल की तरफ आना चाहता है, और उसका डेस्टिनेशन लेट से उड़ीसा है या वेस्ट बंगाल है, तो श्रीलंका के वो पीछे से घूम के आता है। वो जो बीच का रास्ता है ना, श्रीलंका और इंडिया के बीच का, पाक स्ट्रेट बोलते हैं उस रास्ते को, तो उस रास्ते के बीच से नहीं जाता। इसका कारण है राम सेतु ब्रिज, जो आज की डेट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो
ये एक रीजन है जिसकी वजह से जो बीच का चैनल ऑफ वाटर है वहां से शिप्स ट्रैवल नहीं करते, कि अगर वहां से शिप जाएगा तो राम सेतु डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पानी के अंदर राम सेतु ब्रिज आज की डेट में भी है। ये है जी आपके सामने विशाल हिंद महासागर, मस्त लग रहा है ना। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल तो हमारा दोनों कोस्ट लाइन में दिखाई देता है, लेकिन इंडियन ओशन देखना है तो इधर ही आना पड़ेगा। बहुत खूब, बाकी पानी के अंदर जाने का अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, एकदम स्लोप है, यहां तक ओके है। आओ अब हमारी फिश रेडी होगी होगी, चलते हैं। इस रोड के लेफ्ट और राइट साइड दोनों अगर मैं जोड़ लूंगा ना तो 70 से 80 ढाबे होंगे जो आपको फ्रेश फिश सर्व करते हैं, और जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो लोग जब धनुषकोडी आते हैं तो रिटर्न में फिश खाते जाते हैं, ऐसा मेरे को काफ़ी लोगों ने बताया। चलो राइस के साथ लेने से पहले ना, और थोड़ा करी करी फिश करी, थोड़ा सा ऐसे फिश टेस्ट करते हैं। ये 800 रुपये किंग फिश का कॉस्ट है। हमें यहाँ पे आने में लेट हो गया क्योंकि समुद्र किनारे हमें थोड़ा ज़्यादा समय लग गया, तो इन्होंने फिश रेडी करके बाहर निकाल दी, फिर हम आए उसको फिर दोबारा तवे पे डाला गर्म हो जाए, उस चक्कर में तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर मैं टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट तो एकदम सही है। इस प्रिपरेशन में ना सिंप्लिसिटी को पूरे नंबर है, नमक हल्दी और मिर्च, इसके अलावा मैरिनेशन में कुछ भी नहीं है। कुछ हम खाते हैं बोलते हैं ना देसी स्वाद है, वही हाल इस फिश करी का है, एकदम लोकल गांव जैसा स्वाद, जैसे गांव में चीज़ें बनती है ना या घरों में बनती है, एकदम सिंपल तरीके से अच्छी बनाई है। फिश मेरे को पसंद आई और राइस के साथ ग्रेवी भी बहुत मस्त है, मतलब एक अच्छा मील है आपका। 800 रुपीज़ कॉस्ट में पहले आपको बता चुका हूँ, जिसमें फिश भी है और राइस भी है। आज के दिन की जर्नी हम यहीं पे एंड कर देते हैं, और कल हमें कराईकुडी जाना है, रात को हम लोग थंजावुर रहने वाले हैं, राइट। अब तो बस रामेश्वरम जाके हम लोग डिनर कर लेंगे और हमारा डे एंड हो जाएगा। अब सोच रहे हो आप 5:30 बजे मैं लंच कर रहा हूँ तो डिनर कब करेंगे, डिनर करेंगे 9 बजे, लंच लेट हो रहा है। फिलहाल आपको बाय बाय, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, थैंक्स फॉर योर टाइम।